हेलो एवरीवन वन आई ठाकुर ऑन दिस साइड एंड टुडेज वीडियो इज़ अ लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो सो टुडेज डेट इज़ सेवेंटी ऑफ जनवरी एंड करेंटली टाइम इज़ वन डॉट थर्टी फाइव सो जैसे कि चार्ट्स पर यहां पर हम देख सकते हैं कि आज के दिन यहां पर मैंने एक शॉर्टिंग पोजीशन को लिया है इन निफ्टी फिफ्टी सो so, शॉर्टिंग साइड के व्यू के साथ आज का ट्रेड हमारा निफ्टी फिफ्टी में लिया गया है सो so, आज के दिन यहां पर मैंने निफ्टी का जनवरी का 18,300 के पुट ऑप्शन को बाई किया है सो 5,400 फोर को यहां पर हमने बाई किया है ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 165. सिक्सटी फाइव सो दिस इज़ दी चार्ट ऑफ द इंडेक्स ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है एंड अगर पोजीशंस वाले ऑप्शन प्राइस को देखा जाए सो दिस इज़ निफ्टी जनवरी 18,300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड पुट ऑप्शन सो यहाँ पर जैसे कि इस पुट ऑप्शन को लिया गया है सो so, मैं एंट्री लाइन को मार्क करूंगा सो एंट्री लाइन को यहाँ पर हम एक ब्लू हॉरिजोंटल लाइन से मार्क करेंगे सो so, जैसे कि देख सकते हैं मार्केट ने इंटू द लाइव मार्केट द ऑप्शन हैज स्टार्टेड टू मूव सो ऑप्शन ने यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया है सो एवरेज प्राइज इज वन तो एंट्री लाइन को यहाँ पर मैं मार्क करूँगा सो दिस इज आवर एंट्री लाइन विथ अ स्मॉल एसल ऑफ द प्रीवियस स्विंग लो तो ये प्रीवियस स्विंग लो का एसएल यहां पर हमने रखा हुआ है सो विच गोज अराउंड कि 165 पर एंट्री है 161.5 का यहां पर हमारा एसएल है सो so, ये सम अराउंड हमारा होता है 3.5 पॉइंट्स तो साढ़े तीन रुपए का यहां पर हमारा एसएल है सो 3.5 5400 क्वांटिटीज तो करीब-करीब अराउंड -करीब 19000 के रिस्क के साथ आज का ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट किया गया है सो विद अ रिस्क ऑफ 19,000 मार्केट ऑलरेडी वन रेशियो वन के ऊपर यहाँ पर करेंटली मूव कर गया है सो so जो टारगेट एक्सपेक्टेशन आज का हमारा निफ्टी से होगा वो मिनिमम जैसे कि आई एग्जीक्यूट द ट्रेड्स विथ हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मिनिमम रेशियो हम जो एक्सपेक्ट करेंगे इट विल बी वन रेशियो थ्री आज का एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा सो so, जैसे ही निफ्टी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा वी विल बी अचीविंग अ मिनिमम टारगेट ऑफ वन रेशियो थ्री सो जैसे कि वन रेशियो वन ऑलरेडी मूव कर गया है तो वन रेशियो थ्री जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा आवर टारगेट्स विल बी अचीव एंड वी विल बी एग्जिटिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर सो अगर निफ्टी को यहां पर हम प्रीवियस डेज में एनालाइज करने की कोशिश करें सो निफ्टी फिफ्टी हम सबको पता है कि इज इन अंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड कि पिछले 10 टू 15 डेज से मार्केट कंटिन्यूस डे बाय डे ग्रीन साइड पर क्लोजिंग को क्रिएट कर रहा है सो so, कंटिन्यूस जैसे कि निफ्टी फिफ्टी इज इन बाइंग ट्रेंड तो बाइंग ट्रेंड में होने की वजह से आज के दिन भी मार्केट ने बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की है या प्रीवियस दिन का क्लोजिंग एनालिसिस अगर यहां पर हम एनालाइज करेंगे तो मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे के लिए तो वो समॉट अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट ने क्रिएट किया था सो so, इस रेजिस्टेंस को कल के ट्रेडिंग सेशन में या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन अगर क्लोजिंग टाइम पर भी आप इसे एनालाइज करेंगे तो मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की बट अगेन बायर फेल्ड टू ब्रेक आउट बायर यहां पर फेल हुए टू कंटिन्यू द ट्रेंड एंड सेलर्स ने यहां पर सेलिंग साइट का क्लोजिंग कल के दिन क्रिएट किया सो so, आज के दिन भी सिमिलरली मार्केट ने रिप्रेसमेंट लेने की जगह अगेन बायर ने ट्रेंड को कंटिन्यू करने का कोशिश किया सो so, अगेन आज के दिन बायर ने इस रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक किया एंड अगेन इन द सेकेंड हाफ जैसे कि मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि बायर्स गॉट फेल्ड

एंड मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट्स को फेल किया है इट मींस बायर्स आर नाउ गेटिंग वीक इनटू द मार्केट सो बायर्स वीक होगा इसका मतलब बायर्स क्यों वीक है क्योंकि सेलर्स का पावर यहां पर ज्यादा है तो जैसे कि टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया कि सपोर्ट इज गेटिंग वीक तो सपोर्ट गेटिंग वीक मतलब क्या कि जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ मार्केट अगेन एंड अगेन इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा था थ्री टाइम्स दिस सपोर्ट लेवल गॉट टेस्ट एंड यहां से फिर मार्केट ने फाइनली इन द लाइव मार्केट वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द चार्ट्स मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया सो करंट पीएनएल को अगर देखेंगे तो इट्स रनिंग इन सम अराउंड प्रॉफिट्स ऑफ फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज राइट right? सो so, जैसे ही नाइनटीन थाउजेंड का रिस्क था सो सम वॉट अराउंड सिक्सटी के आसपास हम अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक करेंगे सो so, जैसे ही मार्केट्स हमारे टारगेट्स लाइन या वन रेशियो थ्री का लेवल अचीव करेगा हम ट्रेड्स को यहाँ पर एग्जिट करेंगे सो so, जैसे कि हमारा टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो गया है तो हम अपनी पोजिशंस को यहाँ पर एग्जिट करेंगे सो आई विल बी प्लेसिंग दी एग्जिट ऑर्डरसर सो एटीन थाउज का जैसे यहाँ पर लिमिट है सो so, लिमिट प्राइस पर यहाँ पर मैं एग्जिट करूँगा सो so, 165 तो हम 160 का ऑर्डर लगाएंगे जिससे हमारा क्वांटिटी उस रेंज के पास में एग्जिट हो जाए अगेन 1800 क्वांटिटीज एट 160 ओके सो एज एक्सपेक्टेड वी हैव टूडे बुकड अराउंड सिक्सटी वन थाउजेंड इन टू द लाइव मार्केट और वाई इल एक्सप्लेनिंग दार्ट ऑनली मार्केट स्टार्टेड टू मूव एंड वी अचीव्ड आवर टारगेट्स ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रेडर दिस वॉज द ट्रेड फॉर टूडे एंड सक्सेसफुली आज के दिन अराउंड वन रेशियो थ्री कि जैसे कि नाइनटीन थाउजेंड के रिस्क के साथ ट्रेड को लिया गया था सो वी हैव बुकड अराउंड हियर सम वॉट अराउंड वन रेशियो थ्री और मोर देन वन रेशियो थ्री ओके okay, सो so काफी अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन इंडेक्स का लाइव मार्केट में रहा सो so, आज के दिन यहां पर लाइव मार्केट में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट को भी किया था एट 12.56 सो बिफोर द ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर लॉजिक को यहां पर मैंने शेयर किया था कि मार्केट यहां हम देख सकते हैं बाइंग मोमेंटम में कंटिन्यूस है एंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट क्या हुआ है फेल हुआ है एंड इसके बाद वॉट पोस्टेड इज सपोर्ट इज गेटिंग वीक तो फेल ब्रेकआउट होकर के मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंफर्म कर दिया था कि सपोर्ट्स यहां पर वीक हो रहा है मार्केट वाज अगेन एंड अगेन टेस्टिंग दी सपोर्ट लेवल सो चांसेस वर कि मार्केट सपोर्ट वीक हो रहा है तो अगर सेलिंग कंफर्मेशन आएगा तो पर्टिकुलर इंडेक्स यहां से सेल ऑफ हो जाएगा सो दीज आर जस्ट मीन फॉर द लर्निंग पर्पज तो लर्निंग पर्पज को एनहेंस करने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल आई कीप पोस्टिंग ट्रेड और वीडियोज अपडेट्स ऑन टू दिस टेलीग्राम चैनल सो एब्सोल्यूटली दिस चैनल इज फ्री टू ज्वाइन एंड द लिंक इज गिवेन इन द वीडियोज डिस्क्रिप्शन तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई विल भी पोस्टिंग रेगुलर लाइव इंट्राडेट ट्रीडिंग वीडियो जितना पॉसिबल होगा इन द कमिंग डेज सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाई टू ऑल एंड सी आर